दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजुकी SX 250 के बारे में। सुजुकी की ये बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मैंने इसको पहली बार शोरूम में देखा तो मैं मन से लगा कि वाह। सुजुकी के साथ में मेरा काफ़ी पुराना संबंध रहा है। अगर आप लोग पुराने व्यूअर हो, मेरे पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेरी पहली लद्दाख की ट्रिप थी वो सुजुकी जिक्सर 155 में करी थी मैंने। उसके बाद दूसरी ट्रिप भी मैंने सुजुकी की मोटरसाइकिल में ही करी थी। तो सुजुकी की बाइक्स के साथ में एक अलग ही डीप लेवल का कनेक्शन है मेरा। और ये जो आप बाइक देख रहे हो ये सुजुकी जिक्सर 250 के बेस पे बना हुआ है। जैसा कि आप इसका हेडलाइट देख पा रहे हो, ये जिक्सर का ही हेडलाइट देखने को मिलेगा आपको। और सामने में ये बिग बीक कहते हैं इसको, बिग जो टूरिंग बाइक्स में जो रहता है वो देखने को मिलेगा। और एक ये प्रॉपर आपको एडवेंचर टूरिंग मशीन मिल रही है, स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरर। ये ऑन रोड्स में, हाईवेज में तो अच्छा परफॉर्म करेगी, ये ऑफ रोड्स में भी आपका बहुत ही अच्छा साथ देने वाली है। जैसे टिपिकल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स पे होता है, सामने बड़ा पहिया, पीछे छोटा पहिया। सामने आपको 19 इंच का व्हील देखने को मिलेगा और पीछे 17 इंच का व्हील देखने को मिलेगा। और बाइक वाकई में काफी बड़ी है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, लेकिन इसमें अगर मैं बैठना चाहूँ तो डायरेक्ट पैर ऐसा फैला के शायद मैं नहीं बैठ पाऊंगा, उतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। तो इसमें बैठने के लिए मुझे प्रॉपर ऐसे फुट रेस्ट में पैर रख के ऐसे बैठना होता है। और ऐसे बैठने के बाद भी जो मेरे पैर हैं वैसे जमीन तक पहुंच जा रहे हैं। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच की है। एक प्रॉपर बिग बाइक वाली फील आपको इस मशीन के साथ में मिलने वाली है। सीट हाइट की बात करें तो 835 mm की सीट हाइट है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है। तो काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और इसका स्टेप सीट इसमें दिया हुआ है, काफी कंफर्टेबल स्टेप सीट है। अच्छी बात यह है कि जो पिलन राइडर की सीट है वो भी फ्लैट है, एंगल में नहीं है। तो पिलन राइडर का वेट राइडर के ऊपर शिफ्ट नहीं होता है, वो बिग एडवांटेज है। इस बाइक के साथ में आप डबल सवारी में भी लॉन्ग राइड कर सकते हो, पिलन राइडर के साथ में राइड कर सकते हो। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे रैक दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इस पे आप अपना टॉप बॉक्स वगैरह माउंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना सैडल बैग या पैनियर वगैरह भी लगा सकते हो। अगर आप साड़ी गार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल साड़ी गार्ड में यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह दिया हुआ रहता है, बट इसमें नहीं है। क्लियर साइन है कि भाई इसमें साड़ी पहन के आप साइड में होके मत बैठो। ये लॉन्ग राइड्स के लिए बनी हुई है, काफी सोच समझ के बनाया है इसको सुजुकी ने। इसमें ड्यूअल चैनल ABS के अलावा आपको और कोई राइड मोड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसका सस्पेंशन का सेटअप काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है, क्योंकि इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है जिसमें 120 mm का ट्रैवल है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इंजन गार्ड दिया हुआ है, जिसकी हमको ऑफ रोडिंग के समय बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का पत्थर वगैरह आता है तो आपका इंजन डैमेज नहीं होगा। मोटरसाइकिल में आपको 249 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो 26.5 PS का पावर जनरेट करती है और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क, बिल्कुल सेम जिक्सर 250 की तरह। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। साथ ही आपको यहाँ पर ये USB पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना मोबाइल या फिर नेविगेशन डिवाइस चार्ज कर सकते हो। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये टेल लैम्प देखने को मिलेगा। और ये टेल लैम्प देख के मेरे को मेरी पुरानी सुजुकी जिक्सर की याद आ रही है, क्योंकि एग्जैक्ट वही सेम टेल लैम्प आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। इस तरफ आप देखोगे तो टायर, काफी चौड़े टायर देखने को मिलते हैं और वो भी ब्लॉक पैटर्न में, जो काफी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करते हैं। हाईवेज में भी और ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। मोटरसाइकिल का कर्व वेट है 167 kg। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और एक्सपेक्टेड माइलेज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 35 to 38 किलोमीटर पर लीटर का आपको मिल जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा होती, 15-17 लीटर की कैपेसिटी होती, तो लॉन्ग राइड्स में और भी ज़्यादा मज़ा आता। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। लेकिन इस ABS को आप ऑफ नहीं कर सकते, तो ABS के साथ ही बाइक राइड करनी पड़ेगी। पर्सनली बाइक मुझे येलो कलर में बहुत ही ब्राइट और फन लुकिंग, फन लविंग टाइप बाइक लगी। शोरूम में मैंने देखा कि ये 2 और कलर वेरियंट के साथ में आता है। येलो के अलावा जो सेकेंड बेस्ट मुझे लगा वो इसका ऑरेंज कलर था। वो ऑरेंज भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का कलर था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा ब्लैक कलर में आती है बाइक। आगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफी एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी फीचर रिच है। जैसे ही आप ऑन करेंगे कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। बेसिक फीचर्स तो वैसे सारे हैं, जैसे कि ओडोमीटर और हमारा गियर इंडिकेटर, आरपीएम मीटर, टाइम का, फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो फीचर्स हैं इसमें आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी देखने को मिलेगा, ओडोमीटर देखने को मिलेगा, इसमें आप रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो, ये बैटरी वोल्ट भी देख सकते हो कि आपके बैटरी में क्या पावर है। और इसके अलावा जो इसमें एक कुछ मुख्य फीचर हैं वो है सुजुकी कनेक्ट ऐप। अगर आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद आप अपना मोबाइल ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट कर सकते हो, पेयर कर सकते हो सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप के थ्रू। ऐप कनेक्ट करने के बाद आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको डैशबोर्ड पे ही मिस्ड कॉल अलर्ट और इसके अलावा कॉल, SMS और WhatsApp का भी नोटिफिकेशन डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम भी आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि आप डेस्टिनेशन पे कितनी देर में पहुँचेंगे। तो अब आइए चलते हैं, इसका माइलेज टेस्ट करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में ये देती कितना है। चलते हैं फ्यूल पंप की तरफ। वैसे शोरूम वालों ने टैंक फुल करके दिया हुआ है, पेट्रोल इसमें ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत जितना भी आएगा 40-50 का वो डालना है। वो टैंक फुल टू टैंक फुल हम लोग टेस्ट कर रहे हैं माइलेज क्या दे रही है, तो देखिए कितना आता है। ये ऊपर तक भरना है। हाँ जाने दीजिए ऊपर तक और जितना आ जाए। हो गया लगता है ना। टैंक फुल कराने के बाद, ब्रिम तक भरने के बाद हम लोग कर देते हैं हमारा ये ट्रिप मीटर जीरो। ये हमारा ट्रिप मीटर जीरो हो चुका है। चलाते हैं अभी इसको 50-60 किलोमीटर। माइलेज टेस्ट करते करते इसका हैंडलिंग परफॉर्मेंस भी चेक कर लेंगे। रोड में अभी मैं जब चल रहा हूँ तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी मार्केट में ये नहीं है। बाइक को देख के लगता नहीं है कि 250 सीसी की है। यहाँ पे बैजिंग में 250 सीसी यहाँ स्टिकर लगा हुआ है 250 सीसी का, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये 250 सीसी की बाइक है। काफ़ी बड़ी बाइक लगती है ये, और चलाने में बैठने के बाद भी काफ़ी बड़ी महसूस होती है। और देखिए सड़क पे कितना दब के चल रही है, आप देख सकते हो। मैं दोनों हाथ छोड़ के भी चला रहा हूँ तो भी बिल्कुल सीधी लकीर में चल रही है। इसमें बैठना एकदम एफर्टलेस है। एफर्टलेस कैसे? जैसा लग रहा है जैसे कि सोफे में बैठा हुआ हूँ, सिर्फ मैं क्लच, गियर और एक्सीलेटर के साथ में खेल रहा हूँ और बाइक चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। चलो एक नंबर पे आराम से जा रही है 50-55 तक। कंट्रोल, चिंता में नहीं, कंट्रोल। अभी जगह मिलेगा हम लोग को। हम लोग नया रायपुर जा रहे हैं, चिंता में नहीं, कंट्रोल। अभी बाइक चलाते चलाते मैंने ये नोटिस किया कि इस बाइक का गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। अब बाइक लॉन्च करते हैं। फर्स्ट गियर 47-50 तक गई, सेकेंड गियर में 80, थर्ड गियर में 100, फोर्थ गियर में रोड नहीं मिल पा रही है अच्छी। आगे कोई खुला स्ट्रेच मिलता है तो 4th, 5th, 6th चेक करते हैं। लास्ट जब मैं टॉप स्पीड अटैम्प्ट किया था तो मेरा गोप्रो हैंग हो गया और रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने 149.6 kmph का टॉप स्पीड अचीव किया इस बाइक पे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी घर आने के बाद फुटेज चेक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि मेरा गोप्रो ही हैंग हो गया था। खैर कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग, फ्यूल अप कराते हैं और देखते हैं कि माइलेज क्या आया है। हमको फुल करना है। ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ तक भरना है। बस बस बस, बस इतना ही था। करेक्ट ऊपर तक भरे हैं। ये है 200.196। टोटल पेट्रोल आया 200 रुपये 80 पैसा का, 1 लीटर 0.96। हमारी बाइक चली है टोटल 62.8 62.8 डिवाइडेड बाई 1.96। सो हमारा माइलेज आया है 32 का, और इसमें मैंने ऑफ रोडिंग भी करी है, फुल भगाया है बाइक को, फुल टॉप स्पीड वगैरह चेक किया है, और सिटी ट्रैफिक में भी काफ़ी देर तक चलाया हूँ मैं, और पिलन राइडर के साथ में राइड किया हूँ। इस तरीके से मैंने इस बाइक को चलाया है, पूरा पुश किया है, अच्छा माइलेज है। हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एडवेंचर टूरर के सेगमेंट में एक ऐसे एडवेंचर टूरर की ज़रूरत थी जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बिग बाइक का लुक के साथ में फील भी दे, उतना मजा दे। तो ये बाइक है आप लोगों के सामने सुजुकी V-Strom 250 SX। ये 2,13,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आती है, जो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। इसका मेंटेनेंस भी आपको काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली पड़ने वाला है, और जैसा कि आपको पता है सुजुकी का इंजन तो रिलायबल होता ही है। मैं इनकरेज करूंगा कि आप अपने नियरेस्ट सुजुकी डीलरशिप पे आएँ। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो वर्धमान सुजुकी में आके इस बाइक का टेस्ट राइड ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे वर्धमान सुजुकी का थैंक यू भी अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बाइक दी मुझे टेस्ट राइड के लिए, रिव्यू के लिए, और मैं ये वीडियो बना पाया। अगर आप लोगों के मन में इस बाइक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।